ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी स्कैपुलर रीजन मसल्स. ठीक है, सबसे पहले बात की हमने पेक्टोरल रीजन मसल्स की, ठीक है, देन बैक सुपरफिशियल मसल्स की, और अब हम बात करेंगे स्कैपुलर रीजन्स मसल की, जो कि स्कैपुलर साइड यानी डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी अपर लिम पे प्रेजेंट हैं. ठीक है, और हमारे पास जो पेक्टोरल रीजन मसल्स थे उनमें कौन कौन से थे, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, सबक्लेवियस एंड सेराटस इंटीरियर. ठीक हो गया, बैक सुपर इनकी चलो पोजीशंस भी देख लेते हैं. दिस इज़ द पेक्टोरलिस मेजर मसल, दिस इज़ द पेक्टोरलिस माइनर मसल, ठीक है, एंड दिस इज़ द सबक्लेवियस मसल. एंड अगर यहाँ पे हम देखें तो ये जितने भी 8 डिजिटेशन आ रही हैं, ये कौन सा मसल है, सेराटस इंटीरियर. ठीक है, ये हमारे पास कौन से थे, पेक्टोरल रीजन मसल्स थे. अब देखते हैं बैक सुपरफिशियल, जिनमें 5 मसल थे, ये लेटिसमस डोर्साई है, दिस इज़ द ट्रेपीजियस. ट्रेपीजियस को अगर हटाएं तो सबसे ऊपर आ गया लिवेटर स्कैपुला, रोम्बॉइड माइनर एंड रोम्बॉइड मेजर. अब जो हमारे पास स्कैपुलर रीजन है उसमें 6 मसल्स आ जाते हैं. ठीक है, कौन कौन से, ये बहुत इजी हैं. ठीक है, सबसे पहले है जो मोस्ट प्रोमिनेंट मसल आपको नज़र आ रहा है, सबसे पहले दिस इज़ द डेल्टॉइड मसल. ठीक है, और डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन कहाँ पे होता है, लेटरल थर्ड ऑफ क्लेविकल से. एक तो हमारे पास जो इंटीरियर फाइबर्स हैं वो ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, और पोस्टीरियर फाइबर हमारे पास एक्रोमियन प्रोसेस एंड स्पाइन ऑफ स्कैपुला से ओरिजिनेट हो रहा होता है. जैसे हमारे पास होता ना ट्रेपीजियस, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ, एक सेकेंड, अच्छा बल्कि वेट अ सेकेंड, जैसे हमारे पास ट्रेपीजियस था कि हमने कहा था कि लेटरल थर्ड ऑफ क्लेविकल और एक्रोमियन प्रोसेस और स्पाइन ऑफ स्कैपुला में उसकी इंसर्शन थी. ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, जो हमारे पास अपर लिप ऑफ द स्पाइन ऑफ स्कैपुला है, ठीक है, और अपर रीजन ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस है, इसमें कौन इंसर्टेड है, ट्रेपीजियस मसल इंसर्टेड है, क्योंकि अगर इसकी पोजीशन देखें तो इट इज़ प्रेजेंट अपवर्ड. ठीक है, डेल्टॉइड के ये ऊपर प्रेजेंट है. ठीक है, इस वजह से इसने ऊपर वाली जगह ऑक्यूपाई की हुई है. इसी तरह जो हमारे पास क्लेविकल है, यहाँ पर अगर देखें, चलो इसके हवाले से बता देती हूँ, तो जो क्लेविकल का जो अपर सरफेस होगी लेटरल उसकी साइड की, तो ये किसने कवर किया हुआ है, ट्रेपीजियस ने, क्योंकि ये ऊपर से आ रहा है, हमारे पास डेल्टॉइड के ऊपर प्रेजेंट है. ठीक है, और जो डेल्टॉइड है वो इन्फीरियर सरफेस ऑफ द लेटरल पार्ट ऑफ क्लेविकल से ओरिजिनेट कर रहा है. ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है कि वो हमारे पास जो ट्रेपीजियस मसल था वो बेसिकली हेड से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है ना. ठीक है, तो इसकी ओरिजिन इन साइड पे होगी और इंसर्शन इस साइड पे होगी. ठीक है, और कहाँ कहाँ हो रही थी, क्लेविकल की लेटरल थर्ड पे, अपर सरफेस पे, और अपर लिप ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला एंड अपर सरफेस ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस, क्योंकि ये डेल्टॉइड के ऊपर प्रेजेंट है, अपवर्ड प्रेजेंट है. ठीक है, और जो डेल्टॉइड है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है, डैट्स वाई इसकी इंसर्शन इन पॉइंट्स में, सॉरी ओरिजिन इन पॉइंट्स में होगी. ठीक है, ट्रेपीजियस यहाँ पर आके ख़त्म हो रहा था, इस वजह से उसकी इंसर्शन यहाँ पर थी, जबकि डेल्टॉइड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, तो इसकी हम देख लेते हैं ओरिजिन. ठीक है, लेटरल थर्ड ऑफ क्लेविकल के इन्फीरियर सरफेस से और एक्रोमियन प्रोसेस और स्पाइन ऑफ स्कैपुला के लोअर लिप से ये ओरिजिनेट हो रहा है. ठीक है, इसको अगर मैं करूँ, ठीक है, अब ये जो हमारे पास पोस्टीरियरली प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो स्कैपुला में इंसर्शन है इसकी, ठीक है, ऑब्वियसली इट इज़ ऑन द पोस्टीरियर साइड, तो इसको हम क्या नाम देंगे, पोस्टीरियर फाइबर्स का नाम देंगे. और जो क्लेविकल वाली साइड पे ओरिजिन है, ठीक है, जो कि लेटरल थर्ड ऑफ क्लेविकल से ओरिजिनेट हो रहे हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, सिंपली एंटीरियर फाइबर्स का नाम देते हैं. ठीक हो गया, ओरिजिन अब याद होनी हो जानी चाहिए, इतनी डिटेल में डिस्कस की है. और जो हमारे पास इंसर्शन है इसकी, वो कहाँ पे हो रही है, मिडल ऑफ द लेटरल सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस. ठीक है, यहाँ पे होती है एक डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी. ठीक है, तो ना भी याद आ रहा हो तो सिंपली यू हैव टू से दैट इट इज़ इंसर्टेड इन द डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी ऑफ द ह्यूमरस. ठीक है, जो कि बेसिकली लेटरल सरफेस पे, अगर आप इसकी पोजीशन भी देखो तो ये इंसर्शन ह्यूमरस की लेटरल साइड पे हो रही है ना, तो ये डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी भी लेटरल सरफेस पे प्रेजेंट होती है. ठीक है, उसमें ये इंसर्टेड होता है. अब इसके फंक्शंस की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो पूरा का पूरा डेल्टॉइड है ये एबडक्शन करवाता है आर्म की. ठीक हो गया,
और सेकेंडली जो हमारे पास, अगर हम एंटीरियर और पोस्टीरियर फाइबर्स के हवाले से बात करें, तो ये जो हमारे पास एंटीरियर फाइबर्स हैं ये फ्लेक्जन करते हैं आर्म की और मीडियली रोटेट करते हैं, ठीक है, फ्लेक्जन एंड मीडियल रोटेशन प्रोवाइड करते हैं आर्म की। जबकि अगर हम पोस्टीरियर फाइबर्स की बात करें तो ये क्या करेंगे, सिंपली इसका उल्टा होगा, एक्सटेंशन प्रोवाइड करेंगे और लेटरल रोटेशन प्रोवाइड करेंगे आर्म की, ठीक है। तो पूरा का पूरा डेल्टॉइड क्या करवा रहा है, एबडक्शन करवा रहा है आर्म की, ठीक है। एंटीरियर फाइबर्स क्या करवा रहे हैं, फ्लेक्जन और मीडियल रोटेशन, और पोस्टीरियर फाइबर्स क्या करवा रहे हैं, एक्सटेंशन एंड द लेटरल रोटेशन ऑफ द आर्म। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास मसल है दैट इज़ द सुप्रास्पाइनेटस। अच्छा, ये जो तीन चार मसल हैं इनके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा सा निमोनिक है, अगर जो है हमने पढ़ा होता है सर, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट व्हाट आर द रोटेटर कफ मसल्स, ठीक है। तो बेसिकली चार मसल्स हैं हमारे पास जिनके टेंडन्स शोल्डर जॉइंट या ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के अराउंड, ठीक है, उनके टेंडन्स ऊपर से इस तरह आ रहे होते हैं, ठीक है, और नीचे की तरफ आके जॉइन हो जाते हैं इस तरह से, ठीक है। और इनका बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि ये शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, और स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं, ठीक है। इन्फीरियर पार्ट इसका वीक होता है क्योंकि सारे टेंडन्स आके मिल जाते हैं और फर्दर वो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन ओवरऑल जो सुपीरियर मीडियल और लैटरल साइड है, ठीक है, इसको ये स्टेबलाइज भी कर रहे होते हैं, प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो है बेसिकली मतलब आप कह रहे हैं कि जो मेन फंक्शन है इनका दैट इज़ द स्टेबलाइजेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कौन से चार मसल्स हैं जिनके टेंडन हैं जो कि हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं शोल्डर जॉइंट के स्टेबलाइजेशन का, दैट आर सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीडीस माइनर एंड सब स्कैपुलरिस, ठीक है। तो इनको याद रखने के लिए एक निमोनिक है दैट इज सिट्स, ठीक है। और ये आपने किस सीक्वेंस से याद रखना है, सबसे पहले सब स्कैपुलरिस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीडीस माइनर एंड सब सुप्रास्पाइनेटस, ठीक है। अब इस सीक्वेंस से मैंने क्यों बताया है उसकी भी एक रीज़न है, ठीक है। ये मैं कनेक्टिव टिश्यू हटा देती हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें अच्छा, अब हमारे पास ह्यूमरस पे एक लेसर ट्यूब्रोसिटी होती है और एक ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी होती है, ठीक है। जो हमारे पास लेसर ट्यूब्रोसिटी है उस पे जो मसल इंसर्टेड है दैट इज़ दी सब स्कैपुलरिस मसल, ठीक है। तो ये इसलिए सबसे पहले मसल हमारे पास कौन सा आ गया, सब स्कैपुलरिस, सिट्स का एस जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, सब स्कैपुलरिस। अब ये जो है ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी, ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक अपर रीजन है, एक मीडियल है मिडिल रीजन और एक इन्फीरियर रीजन, रीजन कह लो या पार्ट, ठीक है। तो एक अपर पार्ट ऑफ द ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी है, एक मिडिल पार्ट है और एक इन्फीरियर या लोअर पार्ट है, ठीक है। तो जो या सिंपली अगर अपर मिडिल और लोअर पार्ट याद नहीं भी रखना, तो सिंपली जो हमारे पास सीक्वेंस में ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी में इंसर्ट हो रहे होते हैं वो कौन कौन से मसल्स हैं, जो सबसे पहले आके लग रहा है दैट इज दी, यहाँ पे अगर हम देखें, एक सेकेंड थोड़ा सा क्लोजअप कर देते हैं, ठीक है, सब स्कैपुलरिस मसल, सब स्कैपुलरिस नहीं सॉरी सुप्रास्पाइनेटस मसल, ठीक है। सब स्कैपुलरिस को तो हमने डिस्कस कर लिया कि वो कहाँ पे लग रहा है, लोअर ट्यूब्रोसिटी ऑफ द ह्यूमरस। अभी हम ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी की बात करें तो सबसे पहले ऊपर कौन सा मसल आ गया, सुप्रास्पाइनेटस, देन आता है हमारे पास इन्फ्रास्पाइनेटस, एंड देन वी हैव द टीरीज माइनर मसल, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा था, सब स्कैपुलरिस, ठीक है। तो ये इस तरह से जो सीक्वेंस है बन रहा, इसको आपने याद रखना है, और ये जो है सिट्स का जो निमोनिक है ये याद रखना है, ठीक है। यानी एंटी क्लॉकवाइज आपने इसको देखना है और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीज माइनर, एंड देन वी हैव दी सब स्कैपुलरिस।
ठीक है, सुप्रा स्पाइनेटस किस में इंसर्टेड है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, सुप्रा स्पाइनस फॉसा ऑफ द स्कैपुला से, ठीक है। तो पहले सुप्रा स्पाइनेटस है, फिर नीचे आके इन्फ्रा स्पाइनेटस आएगा और उससे नीचे टीडीएस माइनर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों एक सीक्वेंस से जो है वो इंसर्टेड है इन द ग्रेटर ट्यूबरोसिटी ऑफ द ह्यूमरस में, ठीक है। जो सुप्रा स्पाइनेटस है वो अपर पार्ट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरोसिटी में है, इन्फ्रा स्पाइनेटस मिडल पार्ट में है, और जो हमारे पास टीडीएस माइनर है वो लोअर पार्ट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरोसिटी ऑफ ह्यूमरस में इंसर्टेड है, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज जो निमोनिक है डैट इज सिट्स, ये याद रखना है कि ये हमारे पास कौन से मसल है, रोटेटर कफ मसल्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे सबसे पहले सुप्रा स्पाइनेटस की, ठीक है। इंसर्शन तो इसकी देख ली और ओरिजिन भी इसकी बहुत आसान है, सुप्रा स्पाइनस फॉसा ऑफ द स्कैपुला से निकल रहा होता है, ठीक है। हमें पता है कि जो डोर्सल सरफेस है स्कैपुला की, उसमें जो अपर वन थर्ड पार्ट है डैट इज़ दी सुप्रा स्पाइनस फॉसा, और लोअर जो टू थर्ड पार्ट्स हैं वो क्या है, इन्फ्रा स्पाइनस फॉसा। तो जो सुप्रा स्पाइनस फॉसा उधर से सुप्रा स्पाइनेटस निकल रहा है, और कहाँ पर आके लग रहा है, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी ऑफ ह्यूमरस में, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है कि ये आर्म की एब्डक्शन में रोल प्ले करेगी। जो हमारे पास सुप्रा स्पाइनेटस है ये इनिशियल 15 डिग्री ऑफ द एब्डक्शन करवाती है आर्म की, ठीक है। और देन ये फर्दर हमारे पास क्या करती है कि डेल्टॉइड जो है फर्दर इनिशिएट होता है और फर्दर एब्डक्शन करवाता है, लेकिन फर्स्ट 15 डिग्रीज कौन प्रोवाइड कर रहा है, सुप्रा स्पाइनेटस। तो इन केस सुप्रा स्पाइनेटस पैरालाइज हो जाता है तो ऑब्वियसली एब्डक्शन इनिशिएट नहीं हो पाएगी, तो फर्दर डेल्टॉइड कैसे एब्डक्शन करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट रोल एब्डक्शन का प्ले कर रही है, ठीक है, इनिशिएट करने का, और ऑब्वियसली ये शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज कर ही रही है एज अ पार्ट ऑफ रोटेटर कफ मसल। नीचे इंफ्रास्पाइनस फॉसा, ठीक है, और वहाँ से क्या ओरिजिनेट हो रहा है, इंफ्रास्पाइनेटस, और ये इंसर्टेड है इन द ग्रेटर ट्यूबरोसिटी ऑफ द ह्यूमरस में, ठीक है। इसका क्या रोल है कि ये लेटरली रोटेट करती है आर्म को, ठीक है, लेटरल रोटेशन प्रोवाइड कर रही है और शोल्डर जॉइंट की स्टेबलाइजेशन कर रही है, क्या कर रही है, लेटरली रोटेट कर रही है आर्म को। जो हमारे पास टीडीएस माइनर मसल है, दिस इज़ द टीडीएस माइनर मसल, ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, अपर टू थर्ड्स ऑफ द लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ द लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, अपर टू थर्ड्स याद नहीं भी रहता तो आप ये कह दो कि जो लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला है उधर से ओरिजिनेट हो रही है, और ऑब्वियसली इट इज़ बीइंग इंसर्टेड इन दी ग्रेटर ट्यूबरोसिटी ऑफ ह्यूमरस, और ये हमारे पास क्या कर रही है, ये भी लेटरल रोटेशन कर रही है आर्म की, ठीक है, और शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज कर रही है, यानी कि इन्फ्रा स्पाइनेटस और टीडीएस माइनर के सेम फंक्शंस हैं, ठीक है, लेटरल रोटेशन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। अब सब स्कैपुलरिस की बात करें, यहाँ से मैं दिखा सकूँ अगर, ठीक है, दिस इज़ द सब स्कैपुलरिस मसल, जो कि बेसिकली सब स्कैपुलर फॉसा ऑफ द स्कैपुला से ओरिजिनेट कर रहा है, ठीक है, और इंसर्ट कहाँ पे हो रहा था, ये लोअर सॉरी लेसर ट्यूबरोसिटी ऑफ द ह्यूमरस में, और ये क्या करेगी, ये मीडियल रोटेशन करेगी आर्म की, और स्टेबलाइज तो ये ऑब्वियसली कर ही रही है, ठीक है। तो सब स्कैपुलरिस क्या कर रही है, मीडियल रोटेशन ऑफ द आर्म। जो एक आखिरी मसल रह गया इन रोटेटर कफ के अलावा वो है टीडीएस मेजर मसल, जो कि टीडीएस माइनर के नीचे ही प्रेजेंट है, ठीक है, और ये भी हमारे पास जो लोअर थर्ड ऑफ द लैटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला है वहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, ठीक है, और इंसर्शन इसकी कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे होती है, ठीक है, अगर हम निमोनिक याद रखें द लेडी बिटवीन टू मेजर्स, तो मीडियल लिप ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस में इंसर्ट हो रही है, ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है कि ये मीडियली रोटेट करेगी आर्म को, और इसके साथ साथ एडक्शन प्रोवाइड करेगी आर्म की, ठीक है। तो सब स्कैपुलरिस और टीडीएस मेजर का जो मीडियल रोटेशन वाला फंक्शन है डैट इज़ सिमिलर, और इसके अलावा ये एडक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इनके ओरिजिन इंसर्शन बहुत इजी हैं याद करना, ठीक है, और फंक्शन भी बहुत इजी हैं, ठीक है। कौन कौन से मसल्स थे, डेल्टॉइड, देन रोटेटर कफ के चार मसल्स, सुप्रा स्पाइनेटस, इन्फ्रा स्पाइनेटस, टीडीएस माइनर एंड सब स्कैपुलरिस, और इसके अलावा कौन सा मसल था, टीडीएस मेजर मसल।